नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में महानगर कौन कौन से हैं? तो एग्जाम में मैप मार्किंग में आता है मेट्रोपॉल नेम एनी वन मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड मार्केट इन द मैप ऑफ ब्राज़ील। तो रियो डी जेनेरियो और साओ पॉलो। साओ पॉलो काफ़ी न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट्स हैं। साओ पॉलो में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट्स है, काफ़ी ज़्यादा वो न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा होती है। आगे, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज मोर देन मोर इन इंडिया देन ब्राज़ील। भारत में जो घूमने वाले लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब पर्यटक लोग, टूरिस्ट लोग। और भारत में जो लोग इस टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है ब्राज़ील से तुलना करेंगे तो। इसके बावजूद आप क्या देखोगे कि भारत का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, योगदान है जो जीडीपी में, वो ब्राज़ील के कंपैरिजन में कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जो साइज़ है और पॉपुलेशन है बड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज़्म सेक्टर का जीडीपी में वो कम है। तो एग्ज़ाम में क्यूरिजन में आ सकता है कि भारत की में ज़्यादा लोग टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज़्यादा पर्यटक भी घूमने आ रहे हैं, इसके बावजूद भी टूरिज़्म सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि भारत की जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए ऐसा महसूस होता है। इट अपियर्स दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज़ टूरिज़्म सेक्टर इन जी डी पी इज़ लोअर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टूरिज़्म किस किस मतलब मकसद से लोग पर्यटक आते हैं? मरीन टूरिज़्म है, हेरिटेज है, विरासत, ताजमहल, एडवेंचर करने जैसे हिमालय, हवाई धनी नेपाल में पड़ता है, कल्चरल, री हेल्थ, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा था, बिजनेस और इको टूरिज़्म। फिर जैसे मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, वैसे असम का कैपिटल डिस्पर है। अब ब्राज़ील में आते हैं। ब्राज़ील में सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? सड़क मार्ग है, रोडवेज। और सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में डेवलप्ड है। जैसे आप उसका मैप देख लोगे टेक्स्ट बुक में तो आप देखोगे कि ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और कौन सा? तो ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे, ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ा हाईवे है ब्राज़ील का। आगे, बोट जो है वो जो पेरू जो देश है वहाँ के इक्विटस से चालू होके अमेज़ोन के एंड तक जाता है। तो इंटरनल वाटर वेज का दुनिया का सबसे लंबा मार्ग यही है। कितना किलोमीटर का? 3,700 किलोमीटर, 3,700 किलोमीटर। समझ में आ रहा बच्चों? पेरू जो देश है, जो पड़ोसी देश है ब्राज़ील का, वहाँ के इक्विटोस से चालू होता है, वहाँ के इक्विटोस से अमेज़ॉन जहाँ ख़त्म होता है लास्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नदन कोस्ट पे, वहाँ तक आप बोट से जा सकते हैं। नेविगेबल है, नेविगेशन कर सकते हैं। और इसकी कुल लंबाई 3,700 किलोमीटर है और ये सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनल वाटरवेज है। पैराना इज़ द साउथ फ्लोइंग रिवर, तो फिलिंदा ब्लैंक्स आ सकता है, डैश इज़ द साउथ फ्लोइंग रिवर पैराना। मेजर हाईवे क्या है? ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अब वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट क्या है? समझो ये ब्राज़ील है, तो ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? पेंटा डो सेक्सस एंड पैराइबा इधर, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नेसेंटे डो रियोमा। तो एग्ज़ाम में रहेगा ऑप्शन, अगर नेम द फॉलोइंग में आ गया तो आपको स्पेलिंग भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह भारत में आते हैं। आगे देखते हैं भारत का। जीएमटी बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम, बीआरटी बोले तो ब्राज़ीलियन टाइम। ब्राज़ीलियन टाइम का स्टैंडर्ड है GMT 03, GMT 03 मतलब क्या है? GMT से 3 घंटा पीछे, GMT-03। फिर IST स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
और ये जो वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट है ना, ये यहाँ से अगर टाइम का डिफरेंस देखेंगे, समय का अंतर देखेंगे इसके बीच में, समय का अंतर, तो आपको आएगा 168 मिनट, 168 मिनट्स। हाउ मच? 168 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स 48 मिनट्स। ब्राज़ील में कुल कितने टाइम जोन है? 4 टाइम जोन्स है, और हर टाइम जोन, एक टाइम जोन 2 घंटे से पीछे है, एक 3 घंटे से, एक 4 घंटे से और एक 5 घंटे से। अब ब्राज़ील की 45% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। और ब्राज़ील में जो स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत में जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है, इसरो, तो उसी तरह ब्राज़ील में जो स्पेस एजेंसी है, AEB, एजेंसिया एस्पेशियल ब्राज़ीलिया, उधर का लोकल लैंग्वेज है, तो AEB। अब आते हैं इंडिया पे। हमने डॉट क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ग्रेट एस्कार्पमेंट के आंसर्स में, तो एक इधर भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो एग्जाम में ध्यान दीजिए, मैप में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मार्क करने आ रहा है कि डॉट क्वाड्रिलेटरल, नहीं तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपको। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोलेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, इसको क्या याद रखना है, मैकडी, मैकडोनल्ड्स होता है ना, मैकडी। एम फॉर मुंबई, सी फॉर चेन्नई, के फॉर कोलकाता एंड डी फॉर दिल्ली। दिस फॉर्म 4 साइड्स, 1, 2, 3, 4, सो इट इज़ कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। इसलिए चतुर्भुज बोलते हैं क्योंकि इसकी 4 भुजाएँ बन रही हैं, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये हाईवे हैं भारत में, रोड से 85% जो परसेंट यात्री पैसेंजर जो यात्रा करते हैं वो रोड से करते हैं, और फ्रीट फ्रीट बोले तो माल, गुड्स, जो गुड्स जाता है वो 70% गुड्स रोड से जाता है। और वाटर वेस्ट बहुत ही कम डेवलप है, लगभग 1% बस, तो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है हमारी भारत सरकार द्वारा। फिर फॉरेन ट्रेड, जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होती है फॉरेन ट्रेड, वो 95% समुद्री मार्ग से होती है, ओशियन रूट से होती है। और भारत का मेनलैंड, जैसे ये भारत है, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान, इनके बीच में जो ट्रेड होता है ये भी किससे होता है, ओशियन रूट से होता है, समुद्री मार्ग से होता है। एयरवेज इन इंडिया इज मोर डेवलप्ड, भारत में हवाई मार्ग काफ़ी डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू ब्राज़ील। द डेवलपमेंट ऑफ डैश, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा था कि प्रेसिपिटेशन, किसी क्षेत्र में प्रेसिपिटेशन का इंडिकेटर क्या होता है, वहाँ की वनस्पति है, वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ठीक उसी तरह कोई देश कितना प्रोग्रेस किया अगर आपको जानना होगा तो आप उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखिए, उसके यातायात को। द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ रैपिड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, परिवहन के साधनों का विकास देश की गतिमान प्रगति के लक्षण है। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। भारत का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या है? वेस्टर्न मोस्ट गुजरात पड़ेगा, उसकी बाउंड्री पड़ेगी 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट में। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, जिस तरह हमने ब्राज़ील का देखा 168 मिनट्स था, 2 आवर्स 48 मिनट्स का गैप था वेस्टर्न से ईस्टर्न मोस्ट, भारत में 2 घंटे का गैप है। भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में प्लस है, मीन्स हम GMT से आगे हैं 5.5 घंटा, ब्राज़ील GMT से 3.5 घंटा पीछे हैं। तो देखिए ये GMT हो गया, देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये GMT हो गया, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ब्राज़ील है। इंडिया ब्राज़ील 3 घंटा पीछे है, भारत 5.5 घंटा आगे है, तो ब्राज़ील और इंडिया की बात की जो कितना हो गया, 8.5 घंटा, तो ब्राज़ील 8.5 घंटा पीछे है इंडिया से। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ब्राज़ील का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT-03 को माना जाता है, तो उसी तरह इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड, जो प्रयाग इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहते हैं वहाँ से होकर गुजरता है। भारत का ठीक है, भारत का ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर है, और नॉर्थ से लेके साउथ तक 3200 किलोमीटर है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हमारे में से नहीं जाता, ब्राज़ील से जाता है, तो उसका है 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, और इक्वेटर का 0 डिग्री। हमारे में जो स्पेस एजेंसी वो क्या है, इसरो, उन्होंने AEB हमने पढ़ा था, हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।